फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट और फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ टूर्नामेंट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के। दोस्तों, जैसा कि टूर्नामेंट चार प्रकार का होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंज टूर्नामेंट। इन चार टूर्नामेंट के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप चैनल के टूर्नामेंट वाले प्लेलिस्ट में जा करके एक एक पॉइंट थ्योरी सेशन देख करके डिटेल में जान सकते हैं, जैसा कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे यूपीटीजीटी हो, यूपीएलटी गेट हो, एमपी टेट हो, चाहे अदर स्टेट का कोई भी पीजीटी पीजीटी हो, सभी के अकॉर्डिंग सिलेबस अकॉर्डिंग सभी वीडियोज या थ्योरी सेशन है, कितने वाइज एमसीक्यूज है एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी दिए गए हैं। और डेली बेसिस से मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो डेली बेसिस से जुड़ जाइए मेरे चैनल पे। बेहतरीन तैयारी के लिए फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, लीग कम नॉकआउट एवं नॉकआउट कम लीग एक कौन से टूर्नामेंट है? तो दोस्तों, ये है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट चार प्रकार का होता है, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट कम लीग आउट टूर्नामेंट, लीग कम लीग टूर्नामेंट एंड लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 10 टीम है तो कितने मैच खेले जाएंगे? तो दोस्तों, जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है वह उसमें मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n-1। तो 10 टीमें हैं तो 10-1 कितना आएगा? 9। ठीक है, यानी नॉकआउट टूर्नामेंट अगर 10 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे? 9 टीमें खेली जाएंगी। और नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? n-1। नेक्स्ट है, नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? तो n-1। नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों? n-1। जैसा कि दोस्तों टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन 3 से 4 हर बार आते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट है, नॉकआउट टूर्नामेंट में राउंड की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों, राउंड की संख्या निकालने का नॉकआउट में सूत्र है पावर ऑफ 2, यानी कि 2 के पावर में जितना होगा, मान लीजिए 2 के पावर में 4 है तो कितना राउंड होगा? 4 राउंड होगा। ठीक है, जितना 2 के पावर में होगा वही राउंड होगा, तो पावर ऑफ 2 आपका राउंड निकालने का सूत्र है नॉकआउट टूर्नामेंट में। दोस्तों, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 17 टीमें हैं तो कितने राउंड होंगे? तो कितने राउंड होंगे तो देखा जाएगा कि 2×4×8×16। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 तक हम गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 16 आया, 17 आपका है, तो 16 आया 17 नहीं है, तो एक बार और देख लेंगे। ठीक है, 2 यानी 2×4×8×16×32, यानी कि 2 की पावर कितना आएगा? कितना हमने 2 का गुणा किया? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 के पावर 5 आया। कितना आया? 2 के पावर 5, यानी कितने राउंड होंगे दोस्तों? 5 राउंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के पावर 5 यानी कि 5 राउंड होंगे। ठीक है, अगर पूछता कि 17 टीमें हैं तो 22 कितना दिया जाएगा, तो कितना आया हमारा 2 के पावर 5 बराबर 2 के पावर 5 बराबर आएगा 32। 32-17 बराबर कितना हो जाएगा? 15। यानी कि कितने बाई दिए जाएंगे? 15, यानी कि बाई ज्ञात करने का सूत्र है नेक्स्ट पावर ऑफ 2। जैसे मैंने नेक्स्ट पावर ऑफ 2 निकाला, 17 टीमें हैं तो मैंने 2×4×8×16, यहाँ पे नहीं आया तो एक बार और गुणा करेंगे तो 16×32। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2-1 है आपका बाई निकालने का सूत्र, और 2 की पावर में जितना रहेगा वही आपका राउंड होगा। दोस्तों, फिक्सचर बनाते समय टीमों के सही रूप से जोड़े बनवाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बाई क्यों किया जाता है? टीमों की संख्या लास्ट तक
दोनों में बनी रहे इसलिए बाई दिया जाता है। नेक्स्ट है, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 17 टीमें हो तो कितनी बाई दी जाएंगी। तो 17 टीमें हो तो कितनी बाई दिया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे क्या देखेंगे कि 2 × 4 × 8 × 16 × 32 यानी 2^5 पर आया है, कितना आ रहा है 32 − 17 बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी कुल कितनी बाई दिया जाएगा दोस्तों, 15 बाई दिया जाएगा। सूत्र क्या है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 − n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई निकालने का सूत्र है, ठीक है। तो दोस्तों सूत्र है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 − n, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 − n। जैसा कि दोस्तों आप पहला बार वीडियो देख रहे होंगे तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 − n का मतलब होता है, मान लीजिए 16 टीमें हैं, मान लीजिए 17 टीमें हैं, तो हमने तुरंत बताया 17 टीमें हैं, जहां पे 16 आएगा तो उसे एक बार और गुणा करेंगे 2 का, ठीक है। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 − n इसका सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकआउट के फिक्सचर में अपर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने का ये कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब टीमों की संख्या सम हो तो अपर और लोअर हाफ में टीमों को बांटने के लिए सूत्र होता है n/2। अगर विषम संख्या हो तो ऊपरी हाफ में ऊपर ज्ञात करने का सूत्र होता है n+1/2 और नीचे अपर लोअर हाफ में होता है n−1/2, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर टीमों की संख्या सम है नॉकआउट टूर्नामेंट में टीमों को संख्या को बांटने के लिए, तो अपर और लोअर दोनों हाफ में सेम सेम होंगी, यानी कि n/2। जैसे 6 टीमें हैं तो दोनों हाफ में 3-3 टीमें होंगी, और अगर विषम संख्या है अपर हाफ में n+1/2 और लोअर हाफ में n−1/2, ये सूत्र होगा आपका अपर और लोअर हाफ में बांटने के लिए। तो यहाँ पे क्या पूछा था कि नॉकआउट टूर्नामेंट फिक्सचर में अपर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो अपर हाफ पे n+1/2। नेक्स्ट है, नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सचर में लोअर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होगा जब टीमों की संख्या विषम हो, तो n−1/2 होगा लोअर हाफ में, अपर हाफ में n+1/2, ये जब टीमों की संख्या विषम हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकआउट के फिक्सचर में अपर और लोअर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है जब टीमों की संख्या सम हो, तो जब टीमों की संख्या सम हो तो n/2 का प्रयोग किया जाता है सूत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के मनोरंजनात्मक स्तर को बनाए रखने के लिए फिक्सचर में अच्छी टीमों को एक ही समूह में न रखना या पहले राउंड में आपस में आमने सामने न होना क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है सीडिंग, ठीक है दोस्तों। सीडिंग क्या है, खेलों के मनोरंजनात्मक स्तर को बनाए रखने के लिए फ्यूचर में अच्छी टीमों को एक ही समूह में न रखना और पहले राउंड में आपस में आमने सामने न रखना, वो कहलाता है सीडिंग। टूर्नामेंट को और रोमांच बनाने के लिए किया जाता है सीडिंग का प्रयोग। नेक्स्ट है, फिक्सचर में पहली सीडिंग वाली टीम कहाँ रखी जाती है। तो दोस्तों जो फिक्सचर में पहली सीडिंग वाली टीम होता है उसको लोअर हाफ के सबसे नीचे, लोअर हाफ के सबसे नीचे रखा जाता है। जैसा कि दोस्तों सीडिंग देने यानी कि बाई देने का, सीडिंग का मतलब बाई ही होता है, तो सीडिंग यानी बाई देने का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट बाई दिया जाएगा लोअर टू लोअर, ठीक है, और सेकेंड बाई दिया जाएगा, यानी फर्स्ट बाई कैसे दिया जाएगा लोअर टू लोअर, और सेकेंड बाई दिया जाएगा अपर टू अपर, थर्ड बाई दिया जाएगा लोअर टू अपर, और फोर्थ बाई दिया जाएगा
अपर टू लोअर, ठीक है, यानी लोअर टू लोअर, अपर टू अपर, लोअर टू अपर, अपर टू लोअर। उसके बाद जितना रहेगा फिर इसी तरह क्या होगा, इसी तरह चलता रहेगा, चार के बाद फिर पहले जैसे ही चलता रहेगा, रोटेट होगा, ठीक है। जैसे कि पांचवी बार अगर दिया होगा तो फिर लोअर टू लोअर होगा, इसी तरह। नेक्स्ट है दोस्तों कि सीडिंग देने का सूत्र होता है, तो नेक्स्ट पावर ऑफ टू क्या होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ टू इसका सूत्र होता है, यहां पावर ऑफ टू नहीं होता है, यहां सीडिंग देने का आपका सूत्र हो जाएगा। जैसे कि बाई बाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ टू होता है, क्या होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ टू। उसी तरह आपको सीडिंग देने का सूत्र थोड़ा अलग होगा, सीडिंग देने का सूत्र क्या होगा, पहले के पावर ऑफ टू माइनस एन, ठीक है, पहले के पावर ऑफ टू माइनस एन हो जाएगा। नेक्स्ट है लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है। दोस्तों लीग टूर्नामेंट जो होता है दो प्रकार का होता है, सिंगल लीग और डबल लीग। तो यहाँ पे बता रहे हैं सिंगल लीग, तो सिंगल लीग और डबल लीग होता है जिसमें आपका फिक्सर जानने के लिए तीन विधियां होती है, साइकिल, टेबुलर और स्टेयर, ये ध्यान में रखिएगा। तो सिंगल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n n माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। सिंगल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n n माइनस वन अपॉन टू, और डबल लीग में कितना होता है n n माइनस वन, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है डबल लीग टूर्नामेंट में टीमों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, n n माइनस वन, ठीक है। सिंगल लीग में n n माइनस वन अपॉन टू, और डबल लीग में n n माइनस वन, यानी कि अपॉन टू बस हटा देना है और वही हो जाएगा आपका डबल लीग। नेक्स्ट दोस्तों लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर बनाने की कितनी विधियां अपनाई जाती हैं, तो इसमें तीन विधियां अपनाई जाती हैं, साइकिल, टेबुलर एंड स्टेयर केस मेथड। तो इन तीनों विधियों के बारे में टूर्नामेंट वाले वीडियोज में भी थ्योरी सेशन में डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर पूछेगा आपको कि लीग टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, सिंगल लीग, डबल लीग। और सिंगल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र n n माइनस वन अपॉन टू, और डबल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र n n माइनस वन। और पूछेगा कि लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर जानने की कितनी विधियां हैं, तो तीन विधियां हैं, साइकिल, टेबुलर एंड स्टेयर केस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो यहाँ पे स्टेयर केस मेथड, टेबुलर मेथड एंड साइकिलर मेथड अपनाया जाता है, साइकिल, टेबुलर, स्टेयर केस मेथड, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट साइकिल मेथड में नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का सूत्र क्या है जब टीमों की संख्या सम हो। तो दोस्तों जब साइकिल मेथड में या किसी भी मेथड में राउंड निकालने का सूत्र है, जब सिंगल लीग हो, सिंगल लीग होगा आपका लीग टूर्नामेंट में, तो राउंड निकालने का सूत्र क्या होगा जब टीमों की संख्या सम हो, तो n माइनस वन, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं n माइनस वन नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, तो n माइनस वन लीग टूर्नामेंट में राउंड निकालने का सूत्र वही है, तो दोनों सेम है, इसलिए दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो साइकिल मेथड में नंबर ऑफ राउंड निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों, जब टीमों की संख्या सेम हो तो n माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल मेथड में नंबर ऑफ राउंड निकालने का सूत्र क्या है, तो टीमों की संख्या विषम हो तो n, जब सम हो तो n माइनस वन, विषम हो तो सीधे n। तो जब सम हो तो n माइनस वन, यानी कि टीमों की संख्या 16 है मान लीजिए, तो मैचों की संख्या कितना होगी, 16 माइनस वन यानी कि 14 हो जाएगा। लेकिन जब विषम संख्या हो तो टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा n, यानी कि जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ साइकिल मेथड नहीं पूछेगा आपका, सीधे पूछेगा कि सिंगल लीग में राउंड निकालने का सूत्र क्या है, तो भी यही रहेगा, ठीक है। राउंड चाहे साइकिल हो, टेबुलर हो, और स्टेयर केस मेथड हो।
दोस्तों राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में कैनेडियन विधि पद्धति के आधार पर अंक देने की पद्धति कैसे होता है। जैसे कि राउंड रॉबिन चार प्रकार का होता है, राउंड रॉबिन लीग टूर्नामेंट को दोस्तों कहते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट को हम क्या कहते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो जैसे लीग टूर्नामेंट जो होता है दो प्रकार का होता है, सिंगल लीग और डबल लीग। और लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर डालने की विधियां कितनी है, तीन, साइकिल टेबुलर एंड स्टेयरकेस मेथड। और लीग टूर्नामेंट में अंक देने की कितनी विधियां है, तो ब्रिटिश मेथड, अमेरिकन मेथड एंड कैनेडियन मेथड। ठीक है, तो ब्रिटिश, कैनेडियन और अमेरिकन मेथड अंक देने की तीन विधियां है। यहाँ पे कौन सी विधि बेचा है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में कैनेडियन पद्धति के आधार पर अंक देने के, अंक कैसे निर्धारित किया जाता है, तो उसके लिए सूत्र होता है। तो अंक ऐसे निर्धारित किया जाता है, जो विनर होता है उसको दो अंक दिया जाता है। ठीक है, विनर को दो अंक दिया जाता है, ड्रॉ वाले को एक अंक दिया जाता है, लॉस वाले को कोई अंक नहीं, जीरो अंक दिया जाता है। यानी विनर यानी जीतने वाले को दो अंक, ड्रॉ यानी कि मैच टाई होने पर एक अंक, और लेस यानी लॉस यानी कि हारने पर जीरो अंक दिया जाता है। इसके बारे में आप डिटेल में जानने के लिए थ्योरी वाले सेशन देखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट चार प्रकार का होता है, अभी मैं जस्ट बताई हूँ यह चार प्रकार का होता है। कौन कौन से चार प्रकार का होता है, लीग कम लीग टूर्नामेंट, लीग कम नक, ये चार प्रकार का। इसको अच्छे से आपको एकदम सरल है लेकिन आपको ये चार प्रकार का है, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, लीग कम लीग टूर्नामेंट, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, एक चार प्रकार का होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। वैसे दोस्तों नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट, एक किस एक प्रकार किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आते हैं, यह आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत। दोस्तों राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में ब्रिटिश पद्धति के आधार पर अंकों का निर्णय किस आधार पर होता है। तो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अंक देने की तीन विधियां हैं, ब्रिटिश, कैनेडियन एंड अमेरिकन मेथड। तो ब्रिटिश मेथड में अंक का निर्णय किस आधार पर दिया जाता है, तो यहां पे दिया जाता है ब्रिटिश मेथड में दोस्तों कुल प्राप्त अंक अपान कुल अंक गुणे सौ। ठीक है, कुल प्राप्त अंक अपान कुल अंक गुणे सौ, ये आपका सूत्र होता है ब्रिटिश मेथड में। जैसे ब्रिटिश मेथड में क्या होता है कि जो टीमों को अंक देने के लिए जो कैनेडियन विधि का ही प्रयोग होता है, जैसे कैनेडियन विधि में आपका क्या प्रयोग होता है, अंक देने के लिए जीतने वाले को दो अंक, मैच टाई होने वाले को एक अंक, हारने वाले को जीरो अंक, यही विधि प्रयोग होता है। बट उसमें इतना अंतर होता है कि इसमें कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकाला जाता है। जैसे कुल प्राप्त अंक अपन कुल अंक गुणे सौ। नेक्स्ट है दोस्तों कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अमेरिकन पद्धति के आधार पर अंकों का निर्णय किस आधार पर दिया जाता है। तो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अंक देने की तीन विधियां हैं, ब्रिटिश, कैनेडियन और अमेरिकन मेथड। तो ब्रिटिश और कैनेडियन के बारे में मैंने जान लिया, और अमेरिकन मेथड में अंक किस आधार पर दिया जाता है। तो दोस्तों जो अमेरिकन मेथड होता है, टीम को जीतने हारने तथा टाई होने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है, इसमें सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जीते गए कुल मैचों की संख्या अपान कुल मैच। ठीक है, खेले गए कुल मैच, जीते गए मैचों की संख्या अपान कुल मैच, यानी कि जीते गए कुल मैचों की संख्या अपान कुल खेले गए मैचों की संख्या, ऐसे ज्ञात किया जाता है। वैसे दोस्तों उस टूर्नामेंट को क्या कहते हैं जिसमें द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को उनके स्थान के आधार पर अंक दिए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है दोस्तों वैगनर वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट, वैगनर वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है, द्वितीय और तृतीय स्थान पर वैगनर वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इसमें सिंगल नॉकआउट का मॉडिफिकेशन रूल होता है, बार बार सिंगल नॉकआउट होता है। क्या होता है कि पहले
प्रथम तीन स्थानों का इसमें निर्धारण किया जाता है। और इसमें प्रथम स्थान वो होता है जो सिंगल नॉकआउट में जयी टीम होता है, और द्वितीय स्थान पर वो होता है जो प्रथम स्थान पर आने वाली टीम से जितने भी टीमें पराजित होती हैं उनके मध्य लॉटरी पद्धति का प्रयोग करके पुनः नॉकआउट कराया जाता है और इसकी विजयी टीम को द्वितीय स्थान दिया जाता है। अब तृतीय स्थान कौन होता है, जो द्वितीय स्थान पर आया है टीम उससे जितने भी टीमें पराजित हुई है प्रथम और द्वितीय नॉकआउट मिला करके उनके मध्य फिर से टूर्नामेंट होता है, इसमें जो जीतता है उसको तृतीय स्थान दिया जाता है। और दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि बैडमिंटन वर्ल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट को मुलर एंडरसन प्लेबैक मेथड भी बोला जाता है। उस टूर्नामेंट को किस नाम से जाना जाता है जिसमें पहले स्थान पर आने वाली टीम से पराजित टीम के मध्य एलिमिनेशन टूर्नामेंट के आधार पर प्रथम स्थान पर आने वाली टीम को द्वितीय घोषित किया जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, इसमें मैंने बता दिया कि सबसे पहले नॉकआउट किया जाता है, उसमें सिंगल नॉकआउट किया जाता है, उसमें जो विजेता होगा उसको प्रथम स्थान, जो प्रथम स्थान है उससे जो भी टीमें हारी है उनसे टूर्नामेंट होगा, उसमें जो जीतेगा उसको द्वितीय स्थान, और द्वितीय स्थान पर जो आया है उससे जो भी टीमें हारी हुई है प्रथम नॉकआउट और द्वितीय नॉकआउट को मिला करके उसके बीच टूर्नामेंट होगा, उसमें जो भी जीतेगा वो तृतीय स्थान प्राप्त होगा। तो ये होता है आपका बैडमिंटन वर्ल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट, यानी नॉकआउट टूर्नामेंट का चौथा प्रकार है। नेक्स्ट है पोस्ट एलिमिनेशन टूर्नामेंट को क्या कहते हैं, जिसमें द्वितीय स्थान पर प्राप्त करने वाली टीम से पराजित सभी टीमों के मध्य तीसरे स्थान के लिए प्रतियोगिता होती है। तो बात वही पूछा है बैडमिंटन वर्ल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट, यानी तीसरे स्थान का निर्धारण टूर्नामेंट किस में किया जाता है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट से संबंधित प्रतियोगिता कौन सी है जिसमें पूरी टीमों के स्तर क्रम को जानने के लिए प्रतियोगिता कराई जाती है, तो वह होता है मुलर एंडरसन प्लेबैक टूर्नामेंट। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट से संबंधित प्रतियोगिता कौन सी है जिसे पूरी टीमों के स्तर क्रम को जानने के लिए प्रतियोगिता कराई जाती है, तीन स्थान का निर्धारण किया जाता है, तो मुलर बैडमिंटन वर्ल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट को मुलर एंडरसन प्लेबैक मेथड भी कहा जाता है। इस प्रकार मैंने आपको वन लाइन में क्वेश्चन बताया टूर्नामेंट से रिलेटेड, और इन चारों टूर्नामेंट के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो थ्री सेशन को जरूर देखिए, वहां से आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि दोस्तों सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।